एक सेन भक्त नाम के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं सेन भक्त उनका नाम था वो जहां संतों को देखते थे तो भूल जाते थे मैं किस काम के लिए जा रहा हूं क्या मतलब इतना प्रीति जब जिसको भगवान से प्रीति होती है उसको भक्तों से अवश्य प्रीति होती है और जिसको भक्तों से प्रीति होती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं तो एक दिन वो राजा की सेवा में जाया करते थे तो अपना वो सब सामग्री ले उसकी मालिश की जा रहे थे तो रस्ते में देखा कई संत आ रहे हैं अब भूल गए और दंडवत किया आओ महाराज तो संत भाव के भूखे हैं, उनके पास गए और वो सबकी सेवा खान पान जैसा फल फूल आदि जो अब संत भगवान सुबह तक रुके जब वो सुबह गए तब उनको आया कि राजा तो इंतजार ही करता रह गया उसकी मालिश का अब डर सताया कि राजा रजोगुणी होता है फांसी में चढ़ा देगा क्योंकि हमने कोई सूचना निवेदन नहीं किया और सेवा में नहीं गए इतने में दो पार्षद आ गए राजा के कहा महाराज ने आपको बुलाया अंतिम समय है क्योंकि राजाओं का तो राजमद होता है क्यों नहीं आए अभी हम कहें साधु सेवा में नहीं आए तो, तो दंडे देंगे अंदर से अपने भगवान का स्मरण करते हुए कि जो भी होगा हां भगवान मंगल करेंगे और वहां पहुंचे अंदर राजा बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे आओ सेन कल तुमने जैसी सेवा की ऐसे मुझे जिंदगी में सुख नहीं मिला जो चाहो मांग लो हमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं तो सोचा विनोद तो नहीं कर रहा तो नहीं सरकार कल कहा स... बोले नहीं बहुत सुंदर सेवा की और इतना सुंदर रूप कल तुम्हारा हमने देखा जो हमने कभी नहीं देखा अब समझ में आया कि हो सकता है हम जिन भक्तों की सेवा कर रहे थे उनके स्वामी भगवान की कोई लीला हो वो सरकार थोड़ा बताने की कृपा करे क्या रूप आपने देखा तो बोले तेल की कटोरी सामने थी और तुम हमारी पीठ की मालिश कर रहे थे तो जब मैं ऐसे देखता तब तो तुम्हारा ये रूप था और जब तेल की कटोरी में देखता तो अरविंदाक्ष कमल नयन श्याम स्वरूप ये तुमने वो कभी रूप तो अपना दिखाया ही नहीं रो पड़े और उनका सच्ची बात सरकार हम कल आए ही नहीं थे ये हमारी जगह हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है भगवान अपने भक्ति के लिए एक रजोगुणी राजा की मालिश करने सेन बन कर जाते अरे विश्वास करो ये कोई कथा नहीं है अपने लोगों का जीवन यही है और आज तक जिसने इतिहास साक्षी भगवान का आश्रय लिया हाँ कभी अमंगल नहीं हुआ